हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन वेलकम टू अन अकाडमी सेफियंस यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर प्रणाली मिश्रा और आज करने जा रहे हैं हम एनसीआर टी एग्जाम्पलर यूनिट फाइव जो कि वाकई में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि मैक्सिमम फिफ्टीन क्वेश्चन भी आए हैं इस यूनिट से तो सिक्सटी मार्क्स अगर कोई यूनिट का है इतना ज़्यादा वेटेज है तो दैट यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर बी स्टार्ट विथ दी सेशन अपने अपने ग्रुप्स में जाकर जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए आज के सेशन के और बता दीजिए कि मैम इज लाइव सो दैट वी कैन कंटिन्यू विथ आर ओसम ओसम सेशन आज का सेशन एक तो तुम्हें पसंद बहुत है ह्यूमन फिजियोलॉजी और दूसरा अब जस्ट बिकॉज जोलॉजी का वेटेज फोर्टी फाइव मार्क्स का हो गया है तो और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से और आप लोगों ने एक ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ये वाली जो यूनिट मतलब एन सी आर टी एग्जाम्पलर अभी आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये सभी एग्जाम क्वेश्चन एक ना एक बार एग्जाम में आ चुके हैं मतलब ये फिर से भी आ सकते हैं तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं वेलकम एवरीबडी गुड इवनिंग तो बात कुछ ऐसी है बेटा कि अभी अन अकेडमी ने दो मंथ का सब्सक्रिप्शन लाया है पहले एक मंथ का ही सब्सक्रिप्शन होता था या तीन मंथ का ही होता था पर अभी दो मंथ का सब्सक्रिप्शन लाए स्पेशली नीच ट्वेंटी वन वाले स्टूडेंट्स के लिए सो so दैट वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी एग्जाम का प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर लें अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं द डॉक्टर प्रणाली लाइव इससे आपको टेन परसेंट ऑफ मिलता है ऑन दी सब्सक्रिप्शन ठीक है टेन परसेंट ऑफ मिलता है ऑन दी सब्सक्रिप्शन ठीक है और अगर आप अन अकेडमी एप डाउनलोड करते हो उस कोर्स से आप फ्री कोर्सेज भी अनलॉक कर सकते हो आज सिक्सटीन है और आज लास्ट डेट है दो ईयर का अगर आपको आई और नीट का सब्सक्रिप्शन साथ में लेना है तो जुलाई जम्बो ऑफर जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन दो ईयर्स का जस्ट एट फिफ्टी थाउजेंड इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो प्लस आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नीट ट्वेंटी टू के स्टूडेंट्स हैं तो चलिए फिर देर किस बात की है शुरू करते हैं हम आज का सेशन आर यू ऑल रेडी आर यू रेडी बेटा कर दें शुरू ह्यूमन फिजियोलॉजी कर दें ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कौन कौन आ गया है गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट फाइव जो कि क्लास एलेवेंथ का टॉपिक है ठीक है क्या करने वाले हैं आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो क्या है यूनिट फाइव है NCERT टी एग्जाम्पलर सात चैप्टर्स के करने हैं तो थोड़ी स्पीड से चलेंगे एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ठीक है चलिए बेटा चैप्टर नंबर वन जो है इसका डाइजेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन नंबर वन सिलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू क्वालिटी हाँ, तो quality. उस क्वालिटी quality को जरा इंप्रूव करो तो तुम्हें क्लियर दिखेगा चलिए बता दीजिए क्वेश्चन वॉट इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टिनल विलाय इंटेस्टिनल विलाय के लिए क्या ट्रू नहीं है क्वेश्चन नंबर वन क्या इनके पास माइक्रो विलाय होती है बिल्कुल दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बिल्कुल दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल जी बिल्कुल इनमें कैपिलरीज होती हैं लैक्टियल वेसल्स होते हैं लार्ज लिम्फ वेसल होता है पर दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट नो विलाय क्या करती है एब्ज़ॉर्ब करती है ना इसको एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज को भी करती है अमीनो एसिड्स को भी करती है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ फैट को ऐबज़ॉर्ब करेगी सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है क्वेश्चन नंबर टू हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन टू द डियडनम एंड कैरीज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है जैसे ये डक्ट है ये डियडनम में ओपन होगी ठीक है ये क्या कैरी करती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में क्या क्या चीजें रहती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस दोनों रहते हैं बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस दोनों रहते हैं ठीक है हिपैटो मतलब लिवर से आ रही है तो बाइल लेके आ रही है पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास का जूस लेके आ रही है तो दोनों चीजें रहेगी चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है डायरिया हाँ मैम बिल्कुल डायरिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है जॉइंट डिसबिलवर से रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसेंट्री भी फ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट वगैरह ये सभी इसी से रिलेटेड है टिटनस नहीं है टिटनस इज रिलेटेड टू द चैप्टर लोको मोशन एंड मूवमेंट है ना रैपिड पाजम वगैरह आ जाता है चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल कौन सी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड नहीं है क्या आप बता सकते कौन सी ग्लैंड नहीं है एसोसिएटेड जल्दी से बिल्कुल हाँ कौन सी ग्लैंड नहीं होगी एड्रीनल ग्लैंड नहीं होगी देखो पेनक्रियास तो है पेनक्रियाटिक जूस लिवर भी है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन सलाइवरी भी है एड्रीनल इज नॉट एसोसिएटेड विद दी एलिमेंट्री कैनाल चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है मैच द कॉलम बिल्कुल मैच द कॉलम कर देंगे कोई टेंशन नहीं है कैसे मैच द कॉलम करेंगे फिफ्थ वाले का चलिए मैच द कॉलम कैसे होता है बेटा मैच द कॉलम ऐसे होता है कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के दे आर कन्वर्टेड इंटू सिंपलर सब्सट इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं जैसे तुमने स्टार्च खाया तुमने आलू खाया आलू ना डाइजेस्ट हो गया आलू बायो माइक्रोमोलिक्यूल डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज में ग्लूकोज एब्जॉर्ब ह्यूमन hmm. डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना है एलिमेंट्री कैनाल का बना हुआ है है ना जो माउथ से शुरू होती है एंड एक्सपैंड होती है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल दैट इज एलिमेंट्री ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी होती है मैम सलाइवरी ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड होती है और कौन सी ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड पेनक्रियाज लिवर ये सब तुम्हारी क्या हो जाएंगी एसोसिएटेड ग्लैंड स्टमक क्या होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना कि डियोडनम का क्या शेप होता है डियोडनम का सी शेप होता है हैिकोडोंट क्या होता है ऐसा दांत जो जॉ बोन्स में एम्बेडेड है ह्यूमन का डेंटिशन इज थीकोड जब दांत जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड है सिरोसा क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा इसके बाद मस्क्यूलारिस इसके बाद सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा और फिर ल्यूमिन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स अरे मैम ये भी तो वही हो गया बेटा एक्चुअल में ये यू नहीं है सी शेप है एन सी आर टी क्या हुआ चेंज हुआ तो उन्होंने यू शेप को सी शेप कर दिया ठीक है बेटा जिसको भी नहीं दिख रहा है क्या करोगे ये तुम्हारी स्क्रीन है यहाँ पे तीन डॉट आते हैं इसको क्लिक करो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा क्वालिटी इंप्रूव कर दो आधे घंटे के लिए ठीक है सिक्स का ऑप्शन लगा दो सिक्सथ का क्या ऑप्शन होगा डियाडनम क्या होता है सी शेप होता है एपी क्या होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ग्लॉटिस को कवर करता है ड्यूरिंग दी स्वलोइंग ग्लॉटिस क्या होती है विंड पाइप की ओपनिंग ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं सीकम क्या होता है ब्लाइंड सैक होता है क्योंकि इसकी एक ही ओपनिंग होती है और यहाँ पर क्या होता है ब्लाइंड सैक में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है साथ इस बार ज़्यादा ही मैच आ रहा है बेटा मैच लगा दो ज़रा फिर से मैच दी कॉलम मैच दी कॉलम आज यूनिट फाइव पूरा होगा इसीलिए है ना जल्दी जल्दी करो बेटा आज पूरा यूनिट फाइव वेरी गुड बेटा सभी अच्छे आंसर दे रहे हो लाइपेस किसको डाइजेस्ट करता है लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसको करता है प्रोटीन्स को पैप्टोन्स को और प्रोटीओस को और डायपेप्टाइडेज किसको डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करता है दैट मींस सेवेंथ का आंसर हो जाएगा तुम्हारा टी नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वॉट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग हाँ तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बींग का वो क्या होता है टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री क्या होगा टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री ठीक है तो मतलब इंसाइजर्स दो कैनाइंस एक प्रीमोलर्स दो मोलर्स तीन यही अगर बच्चे का पूछना है टेम्पररी टीथ डेसीडवस टू टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू नेक्स्ट लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और बहुत सारे फंक्शंस करती है लिवर क्या नहीं करती है लिवर क्या नहीं करती है ये आपको बताना है लिवर क्या नहीं करेगी बताइए लिवर सब कुछ करेगी क्या नहीं करेगी लिवर गैस्ट्रिक जूसेस को थोड़ी सिक्रीट करेगी लिवर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करती है जो खाना होता है ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है मतलब लिवर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है फिर बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फ़ैट में हेल्प करते हैं मतलब डाइजेशन ऑफ फैट भी होता है बाइल भी लिवर ही बनाता है बस ये गैस्ट्रिक वाला पॉइंट गलत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग राइट स्टेटमेंट कौन सा है बेटा जी राइट right स्टेटमेंट कौन सा होगा बताओ राइट right क्या होगा इसमें बिल्कुल हाँ तो इसमें क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजन क्या होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिनोजन कमेंट पढ़ रही हूँ बेटा बढ़िया आंसर कर रही हूँ ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन विच इज एक्टिव एंजाइम ये इंटेस्टाइन के हैं इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं इन दीडियडनम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ये इनको कन्वर्जन कौन करता है इनका कन्वर्जन एंटेरोकाइनेस करता है मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेस करता है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं वॉट आर दी थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अच्छा बेटा ये मैंने एक ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है मुझे लगा कि ये वाला बहुत ज़रूरी है इसीलिए तो मैं बता दिया ठीक है कि जो म्यूकस नेक सेल होते हैं ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो पैप्टिक सेल या चीफ सेल होते हैं इनको हम जायमोजन सेल्स भी बोलते हैं ये प्रो एनजाइम पैपसिनोजन और प्रोरानन करते हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ये एच और इंटरसिक फैक्टर करते हैं इंटरनसिक फैक्टर किस में मदद करता है इंटरेंसिक फैक्टर वाइटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्बशन में मदद करता है यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या चलिए तो हमने चैप्टर वन डाइजेस्टिव सिस्टम करा कंप्लीट अब हम चैप्टर टू की तरफ चलते हैं व्हाट इज चैप्टर टू चैप्टर टू हो जाएगा हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस चलिए बेटा चैप्टर वन कंप्लीट हुआ जरा खुश हो जाओ चैप्टर टू की तरफ चलो चैप्टर टू की तरफ चलो क्वेश्चन नंबर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज रेस्पिरेशन डायरेक्ट क्यों बोलते हैं इंसेक्ट्स में वाई इज रेस्पिरेशन नोन एज डायरेक्ट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट में एक होल रहता है एक ओपनिंग रहता है दिस ओपनिंग इज नोन एज अ स्पायरेकल ठीक है ये स्पाइरेकल से क्या होता है हवा अंदर आती है हवा अंदर आती है और फिर ट्रैक्यल ट्यूब्स में जाती है तो इस तरीके से क्या हो गया इस तरीके से गैशियस एक्सचेंज हो गया तो अगर आप फर्स्ट वाले के आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है दैट इज़ डी मतलब ट्रैकिअल ट्यूब्स क्या करते हैं ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और सी ओ टू को इन द हीमोसील देखो हीमोसील में एक बार आ गया फिर यहाँ पे टिश्यू एक्सचेंज करता रहेगा क्वेश्चन नंबर टू अ पर्सन सफर ठीक है क्या नहीं रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा मार्क द रोंग कैटेगरी रोंग कैटेगरी बता दो इसमें रोंग कैटेगरी कौन सी है विच इज द रोंग कैटेगरी तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पाथ होते हैं एक होता है कंडक्टिंग पाथ दूसरा हो जाता है एक्सचेंज पाथ कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू होता है नोस्ट्रिल मतलब नाक से शुरू होता है और कहाँ तक, तक जाता है ब्रोंकियोल तक जाता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर गैस ट्रांसपोर्ट होती है जब गैस ट्रांसपोर्ट होती है तो नेजल एपिथीलियम में तुम्हारे हेयर रहते हैं ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं तो एयर को क्लीन करते हैं एयर को फ़िल्टर करते हैं जब ये नीचे जाता है तो हवा में नमी आ जाती है मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है एयर का वॉर्म्स अप द एयर मतलब अगर तुमने ठंडी ठंडी सांस ली है तो उस सांस को गर्म करना है थोड़ा बॉडी के बराबर बनाना है तो दैट इज़ वार्मस अप दी एयर बस एक चीज़ नहीं करता दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो मैम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कौन करता है तो जो एक्सचेंज पाथवे होता है मतलब जो एलवियोलाई की डक्ट एलवियोलाई की ट्यूब और एल्वियोलाए होता है ये तुम्हारा क्या होता है ये तुम्हारा एक्सचेंज पाथवे होता है जहां पर गैसेस डिफ्यूज़ होती है क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट देखिए एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और चेस्ट कैविटी में छेद हो गया और पंक्चर हो गई अब भले ही लंग्स अफेक्ट नहीं हुई लंग्स अफेक्ट नहीं हुई पर क्या होगा लंग्स अफेक्ट नहीं हुई फिर भी क्या होगा लंग्स अफेक्ट नहीं हुई बेटा फिर भी क्या होगा वेरी गुड फिर भी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी क्योंकि ब्रीदिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए ब्रीदिंग करने के लिए हमें चाहिए बेटा ब्रीदिंग करने के लिए हमें चाहिए एनाटमिकली एयर टाइट चेंबर और अगर वो पंक्चर हो गया तो एयर टाइट नहीं बचेगा और अगर एयर टाइट नहीं बचेगा तो फिर हम कैसे ही एक्सचेंज कर पाएंगे सीजेशन हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगी इट इज़ नोन दैट द एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ये क्यों हार्मफुल है वाई इज दिस एक्सचेंज हार्मफुल तो क्या होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सी ओ ये पॉइजनस गैस होती है क्यों पॉइजनस होती है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेती है ठीक है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है 200 से टू 200 टू तो टू 200 हंड्रेड तो टू टू फिफ्टी टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सी ओ और हीमोग्लोबिन मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना ले मतलब ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है फिर ऐसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है सफोकेशन हो जाता है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है इट रिड्यूसेज ओ टू ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेस्प विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग ठीक है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है बताइए नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन सा, सा स्टेटमेंट सही है तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें इंस्पिरेशन होता है एक्टिव तुम इनहेल कर रहे हो पर एक्सपिरेशन अपने आप हो जाता है मैम कैसे मान ले नाक बंद करके बैठ जाओ अपने आप एक्सपायर कर लोगे अपने आप एक्सपिरेशन हो जाएगा दैट मीन्स एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस वेर एस इंस्पिरेशन इज द एक्टिव अ पर्सन ब्रीद इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब फोर्स एक्सपिरेशन करा पूरा एक्सपायर कर दिया उसके बाद फोर्स इंस्पिरेशन कर लिया मतलब फोर्स एक्सपिरेशन फॉलोड बाय फोर्स इंस्पिरेशन तो इससे क्या होगा ये ऐसी वॉल्यूम को क्या बोलेंगे ऐसी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बेटा कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में ये वॉल्यूम इज नोन एज सिक्स का क्या हो जाएगा बेटा सिक्स का हो जाएगा सी इट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी इट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी कम बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं सब आंसर दो इन करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ओटू बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन ठीक है जब ओटू हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इसके बारे में इन करेक्ट क्या है तो जब ओ टू और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे कब करेंगे ठीक है जब टेम्परेचर क्या होगा कम जब टेम्परेचर क्या होगा कम जब पी सी ओ टू क्या होगा कम और पी ओ टू होगा ज़्यादा ठीक है इसका मतलब ये गलत है हाई पी एच नहीं लो पी एच होना चाहिए ना यहाँ पे ठीक है चलिए मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन कोई नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो कौन कौन सी मसल्स चाहिए नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल्स चाहिए नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या चाहिए डायफ्राम एंड इंटरनल कोस्टल मसल चाहिए डायफ्राम और इंटरनल कोस्टल नेक्स्ट एम्फाइसेमा जो होता है इट इज़ नोन एज स्मोकर्स डिसीज इसे क्या बोला जाता है स्मोकर्स डिसीज़ क्यों क्योंकि जो क्रोनिक स्मोकिंग करते हैं उनमें ये डिसीज़ होती है ठीक है इसमें क्या होगा बेटा ऐसे डिसीज में क्या होगा इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाय होती है उसकी वॉल डैमेज हो जाती है द एल्वियलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज एल्वियलर वॉल अगर डैमेज हो जाती है तो सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कम हो जाएगा ठीक है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देख रही हूँ रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय स्पेश सेंटर रेस्पिरेटरी प्रोसेस किससे होगी कुछ ब्रेन में सेंटर्स होते हैं जो रेस्परेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं आपको बताना है फोन रिड्यूस कर सकता है रेस्पिरेशन का ड्यूरेशन फोन रिड्यूस कर सकता है रेस्परेशन का ड्यूरेशन बताइए इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को कौन कम कर सकता है बहुत अच्छा आंसर आते हुए यहाँ पे वेरी गुड न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत अच्छा आंसर दिया मुझे लगा बच्चों को शायद ना आता होगा ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है ये रिड्यूस करता है इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जल्दी जल्दी ठीक है वेरी गुड सीओ टू डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन सीओ टू डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वेन जब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग और हीमोग्लोबिन अलग कब होगा तो जब क्या होगा बेटा जब पी ओ टू ज़्यादा होगा ना जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा है ना और पी सी ओ टू कम होगा तब ये डिसोसिएट होगा जैसे क्या होता है कि अभी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बना जब पी सी ओ टू ज़्यादा था जब सीओ टू ज़्यादा होगा तभी तो कार्ब हीमोग्लोबिन बनेगा अब सी ओ टू कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया तो इससे क्या होगा ये डिसोसिएट हो जाएगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट में एयर वॉल्यूम कैसे मेजर होती है ब्रीदिंग वॉल्यूम कैसे मेजर होती है ठीक है ब्रीदिंग कैसे होती है बेटा स्पायरोमीटर स्पायरोमीटर करके ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है पाइप का उसमें फूकते हैं तो उससे पता चलता है तो स्पायरोटर ब्रीदिंग वॉल्यूम बाकी क्या है ये तो स्पेग्नोमैनोमीटर बीपी स्टेथोस्कोप तुम्हारा हार्ट बीट सुनने के काम आता है चलिए चार स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है विच वन इज राइट एंड विच वन इज़ रॉन्ग जिसको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है यहाँ पे ऊपर आते हैं तीन डॉट इन पे क्लिक करो क्वालिटी इंप्रूव करो बेटा डेटा मत बचाओ पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है चलिए इसमें से आपको इन करेक्ट बताना है इसमें क्या बताना है आपको इन करेक्ट बता देना है थर्टीन ठीक है तो क्या क्या इन करेक्ट है क्या क्या करेक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा वी देखो बी का मतलब देखो जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है ना आई ये क्या होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस आई नॉट रेसिडुअल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस आई होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है ये गलत दिया है टी एल सी माइनस वी सी है ना टोटल लंग कैपेसिटी कैपेसिटी माइनस वाइटल इट इज नोन एज है ना इट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट ले लेगा राइट शिफ्ट कब होता है बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट right शिफ्ट कब ले लेगा तो क्या होगा बेटा राइट right कौन कौन सी केसेस में होता है मैं आपको सारे बता देती हूँ ताकि इस वाले क्वेश्चन का कन्फ्यूजन खत्म हो राइट right कब होगा तो कर्व शिफ्ट होता है राइट में जब क्या होता है पी ओ टू कम हो जाता है जब पी ओ टू कम हो जाएगा तब ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा या तो पी सी ओ टू बढ़ जाएगा तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा ठीक है बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा और कब राइट में शिफ्ट होता है एच आयन एन बढ़ जाएगा तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा पी कम होगा तो भी राइट में शिफ्ट होगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा तो फोर्टीन का हो जाएगा तुम्हारा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मैच द कॉलम मैच द कॉलम करते हैं मैच द कॉलम पे आ जाइए जल्दी से कौन किससे रेस्पिरेशन करता है बताओ बेटा बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ मैं मैच दो कॉलम करते हैं चलो अर्थ किससे सांस लेता है रेस्पिरेशन करता है मॉइस्ट क्यूटिकल से इंसेक्ट किससे करता है ट्रैकिया से फिशेस किससे करती है गिल्स से और बर्ड और रेप्टाइल्स किससे करते हैं मैम इनके पास तो लंग्स होते हैं इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है ये मैंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड करा एग्जाम्पलर में फ्लैट वॉम क्या करते हैं बॉडी सरफेस से करते हैं जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं ये बॉडी सरफेस से ही करते हैं बर्ड के पास लंग्स होती है फ्रॉग के पास लंग्स मॉइस्ट स्किन एंड बकोफेरजियल कैविटी होती है कॉकरोच के पास ट्रैक्यल ट्यूब्स होते हैं चलिए हमने चैप्टर टू भी कंप्लीट करा हमने एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस भी कंप्लीट करा अब हम आते हैं थ्री पे। थ्री कौन सा है है तुम्हारा? तुम्हारा ठीक जो बॉडी एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है अब हम वो शुरू करेंगे मार्क डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटोसिस कौन सा सेल फेगोसाइटोसिस नहीं करता है कौन सा सेल फेगोसाइटोसिस नहीं करता है मोनोसाइट करता है क्या फेगोसाइटोसिस हाँ ठीक है न्यूट्रोफिल करता है क्या फेगोसाइटोसिस हाँ ठीक है बेसोफिल करता है क्या नो नो मैम फेगोसाइटोसिस नहीं करता तो क्या करेगा सिक्रीट करेगा क्या सिक्रीट करेगा हिस्टामिन सिक्रीट करेगा सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा सिक्रीट करेगा मैक्रोफेजेस और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम आएगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में रोल प्ले करेगा लेकिन मैक्रोफेज भी करता है तो ये सब इन कहे फेगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस मतलब पता है क्या होता है ठीक है फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग दूसरे सेल को जो सही नहीं है उसको खा जाता है विच ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन दी पीपल इन्फेक्टेड विद दी डेंगी फीवर किसी को भी डेंगी हो जाता है तो क्या होगा बताइए किसी को डेंगी हो जाएगा वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इनफेक्टेड विद डेंगी वाले को क्या हो जाता है तो इनका जो प्लेटलेट काउंट है ये कम हो जाता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करती है इनका प्लेटलेट बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो बेटा बहुत अच्छा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है नेक्स्ट फॉलोविंग करेक्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है ना ये सेम होता है तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है सेम होता है ठीक है इसको अपन क्या बोलेंगे हम्म वेरी गुड नेक्स्ट कार्डियक एक्टिविटी कौन मॉडरेट करता है तुम्हें पता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है देखो एक्चुअल में क्या होता है पहले तो होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक होता है सेंट्रल एक होता है पेरीफेरल याद है कि नहीं याद है याद है hmm. फिर इसमें क्या पता चलता है हमको सोमैटिक और ऑटोनोमिक और जो ऑटोनोमिक होता है वो क्या करता है पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक में डिवाइडेड होता है तो ये लोग पूछ रहे हैं कि हार्ट की एक्टिविटी कौन मॉडरेट करता है तो हार्ट की एक्टिविटी कौन करता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करता है जैसे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है है ना बीपी बढ़ जाता है रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जा बढ़ जाता है ठीक है तो एक न्यूरल सेंटर होता है मेड्यूला ऑबलोंगेटा में वो कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट करता है विद दी हेल्प ऑफ दी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ठीक है तो जो सिंपथेटिक होंगे हार्ट रेट को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे इसी के कॉन्ट्ररी अगर आप देखो पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो कम करेगा पैरा क्या करेगा कम करेगा असेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन ज़रूरी है बताइए ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन ज़रूरी है बेटा तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर्स असेंशियल हैं ठीक है कैल्शियम आयन्स एंड प्लेटलेट फैक्टर्स आर असेंशियल फॉर दी कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स ईसीजी क्या बताता है ठीक है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन बताता है कार्डियक साइकिल में ठीक है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के ठीक है वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड अच्छा वेव क्या रिप्रेजेंट नहीं करती देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रिप्रेजेंट होता है जी हाँ होता है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है क्या नहीं रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कोई भी वेव नहीं बताती है ठीक है ईसीजी डीपोलराइजेशन बता देगा है ना आ, किसका एट्रिया का पर रीपोलराइजेशन नहीं बताएगा ठीक है ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस कौन से सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता बताओ आप लोग कौन से सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता सीधी सी बात है बेटा एडल्ट इथ्रोसाइड जो होता है एडल्ट आरबीसी जो होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो आर जो रहते हैं इरेथ्रोसाइड्स उनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता क्यों नहीं रहता क्योंकि आर का काम है ऑक्सीजन कैरी करना उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है तो न्यूक्लियस को रहने ही देता है कि इतना ऑक्सीजन भी बिठाऊँ न्यूक्लियस भी बिठाऊँ मैं तो पागल हो जाऊंगा कर करके नेक्स्ट इन्वॉल्व इन दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कौन मदद करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो एंटीबॉडी बनाता है बी लिफोसाइट बी लिम्फोसाइट क्या करता है बेटा जी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और टी लिम्फोसाइट क्या करता है मैम टी लिम्फोसाइट इसकी मदद करता है पर मेनली क्या करता है लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाता है अब आप लोगों को सीक्वेंस बताना है कि इम्पल्स कहाँ से कहां किस डायरेक्शन में कंडक्ट हो रही है किस डायरेक्शन में इम्पल्स कंडक्ट हो रही है बेटा बहुत बढ़िया ये क्लास डेली रात को आठ बजे होती है बेटा कल की क्लास में मैं यूनिट वन रिप्रोडक्शन जो होता है ना यूनिट वन उसका एनसीईआरटी टी डिस्कस करूंगी तुम तो बस आठ बजे आ जाया करो है ना अपन सबसे पहले एन सी आर टी एग्जाम्पलर कम्प्लीट करेंगे नीट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एन सी आर टी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट आ जाते हैं देखो सबसे पहले ऐसे नोड में जाती है फिर ए वी नोड में जाती है फिर ए वी बंडल में जाती है फिर पुरकिंजे फ़ाइबर में जाती है ऐसे नोड से इनिशिएट होती है और पुरकिंजे फाइबर तक जाती है द सेल इन्वॉल्व इन दी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आर कौन से सेल होते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम आते हैं ठीक है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में कौन मदद करते हैं बेसोफिल नो न्यूट्रोफिल नो यसोनोफिल नो लिम्फोसाइट्स ठीक है लिम्फोसाइट्स जो रहते हैं ठीक है इन्फ्लामेटरी पूछा है क्या आई एम सो सॉरी बेटा मुझे लगा इम्यून पूछा है मुझे लगा इम्यून पूछा है इन्फ्लामेटरी तो आपको पता ही है इन्फ्लामेटरी क्या होते हैं अभी तो बताए थे इन्फ्लामेट्री हो जाएंगे आपके ईओसोनोफिल्स मैंने गलती से उसको इम्यून पढ़ लिया इम्यून के लिए कौन से चाहिए इम्यून के लिए लिम्फो चाहिए और इन्फ्लामेटरी के लिए ईओसो Eos... वो चाहिए बेसोफिल्स of... हाँ ए, देखो इम्यूनिटी के लिए चाहिए लिम्फोसाइट्स और इन्फ्लामेटरी के लिए चाहिए ईओसोनोफिल्स दोनों क्लियर कर लो ठीक है हाँ सी आएगा टेंथ का सी इन्फ्लामेटरी के लिए ईओसोनोफिल्स इम्यूनिटी के लिए सेकेंड हार्ट साउंड डब इज़ ठीक है जो हार्ट साउंड आता है दो हार्ट साउंड आते हैं एक आता है लब एक आता है डब लब किसके वजह से आता है जब बाय वॉल्व क्लोज होता है जब ट्राई कस्पिड वॉल्व क्लोज होता है तो लब साउंड आता है जो कि फर्स्ट हार्ड साउंड होता है डब क्या होता है ये सेकेंड हार्ट साउंड होता है ये कब आता है वेन द सेमी लूनार वॉल्व आर क्लोज तो डब आएगा सेमी लूनार वॉल्व के क्लोजर से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा करेक्ट कौन सा है ईसीजी पे करेक्ट कौन सा है ये बताओ करेक्ट मैचिंग कौन सी है बी द करेक्ट मैचिंग हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेक्ट मैचिंग क्या होता है बेटा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो रहता है ये क्या इंडिकेट करता है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखो मैं बताती हूँ जो पी वेव होती है ना जो पी वेव होती है ये एट्रिया की डीपोलराइजेशन बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया का सिस्टोल एट्रिया का सिस्टोल बताती है या तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बताती है ठीक है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है ये क्या बताता है बताता है, ठीक है है है, ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताता और जो टी वेव होती है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बताती है रीपोलराइजेशन बताती है ठीक है नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा गलत है जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन के बेसिस पे होता है आरबीसी पे क्या होते हैं एंटीजन होते हैं उस बेसिस पे होता है ठीक है एंटीबॉडी के बेसिस पे नहीं होता है एंटीजन के बेसिस पे होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट वुड बी दी कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग सेवेंटी टू हार्ट बीट्स पर मिनट किसी का अगर सेवेंटी टू हार्ट बीट है और स्ट्रोक वॉल्यूम पचास है तो तुम इसकी कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे तो जब हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है स्ट्रोक वॉलीम इंटू हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट ठीक है तो जो पचास होगा तुम्हारा हार्ट रेट और स्ट्रो और नहीं पचास होगी तुम्हारी पचास एम एल स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट होगा सेवेंटी टू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री सिक्स जीरो जीरो एम एल पर मिनट मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी वाला नेक्स्ट पे आ जाओ मैच द कॉलम है चलिए मैच द कॉलम करते हैं लेटस मैच द कॉलम्स हाँ कॉलम मैच करते हैं बिल्कुल जो लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये ड्रेन करता है टिश्यू फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक है ड्रेन द टिश्यू फ्लूइड टू सर्कुलेटरी सिस्टम पल्मोनरी वेन क्या करती है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है थ्रोम्बोसाइट क्या करता है ब्लड कोएगुलेट करता है और लिम्फोसाइट क्या करता है इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं ये दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है और कौन सा इन करेक्ट है एन सी आर टी एग्जाम्पलर हो रही है एनसीआर टी एग्जाम्पलर यूनिट फाइव कल लोगी यूनिट सिक्स ठीक है चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी देखो कि एट्रिया रिसीव करती है ब्लड ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी से जो कहा जाता है ये एट्रिया है है ना ये एट्रिया हो गई ये हो गया वेंट्रिकल तो एट्रिया से वेंट्रिकल जाता है और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइनो एट्रियल नोड पे ये भी एट्रिया से वेंट्रिकल जाता है है ना तो इसीलिए तो ब्लड वहाँ से वहाँ जाता है क्योंकि ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करती है चलिए ये वाला चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसीलिए मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर देती हूँ अपना चैप्टर थ्री भी कंप्लीट हो गया एन सी का अब हम चैप्टर फोर शुरू करेंगे देखो प्लाज्मा है अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर लोगे तो सीरम बचेगा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम ठीक है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ईओसोनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में और हार्ट रेट कैसे बता पाओगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो ई सी जी में तो आराम से बता पाओगे चलिए अब चैप्टर नंबर फोर शुरू करते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर फोर शुरू करते हैं देट इज़ एक्सक्रीशन है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चलिए जल्दी से करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन कमेंट बॉक्स में जो तुम्हारी खुशी है ना ये देख के मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो चलो कम्प्लीट हुआ दूसरा शुरू करते हैं चलिए पहला द फॉलो सबस्टेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दिनिस्ट टॉक्सिक फॉर्म अमंगसिक फॉर्म कौन सा है सबसे कम टॉक्सिस किसकी है सबसे कम टॉक्सिसिटी होती है यूरिक एसिड की इसीलिए मिनिमम वाटर यूज करके इसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं इसीलिए जो भी यूरिकोटेलिक ऑर्गैनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट ये हमेशा पेस्ट या पैलेट फॉर्म में अपना मटेरियल को रिलीज करते हैं मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है आपका अमोनिया इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है ठीक है और ये वही अमोनिया uh, रिलीज कर पाते हैं जो एक्वेटिक होते हैं जो पानी में होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पानी है ठीक है दे दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट मेल्फीजियन बॉडी मेल्फीजियन बॉडी में होता है क्या देखो पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना ये तो क्या कर रहे हैं रीअब्जॉर्बशन वगैरह ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना लेकिन जो मेलफीजियन बॉडी है दैट मीन्स योर ग्लोमैरुलस प्लस योर बोमैंस कैप्सूल इसको मेलफीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल बोलते हैं ये मदद करती है इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन चारों में से गलत क्या है बताइए इनमें से गलत क्या है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो बढ़ गया है बेटा वेटेज बढ़ गया एग्जाम में ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो आज अच्छा है आप लोग सेशन में आ गए हो रेनिन क्या करता है फैसोडाइलेशन करता है ठीक है ए एन एफ क्या करता है सोडियम रिएब्जॉर्प्शन करता है बताइए क्या, क्या 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 है फैसिलिटेट्स वाटर रि देखो गड़बड़ी कहाँ कि जो ए डी एच होता है ना एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन ये कहाँ से रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ठीक है और रीएब्सॉर्बन ऑफ वाटर करवाता है तो प्रिवेंट्स नहीं करता है, ये कन्वर्जन में मदद करता है ठीक है अ लार्ज क्वान्टिटी इज रिमूव्ड अच्छा लंग्स कौन सा वेस्ट रिमूव करती है ये तो गलत करना ही मत बेटा लंग्स क्या रिमूव करती है लंग्स सिर्फ और सिर्फ सीओ टू को रिमूव करती है मेनली ठीक है अलार्ज क्वान्टिटी ऑफ सीओ टू कहाँ से रिमूव होगा बॉडी से लंग्स की मदद से रिमूव होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द पी एच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन यूरिन का क्या पी एच होता है अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन यूरिन का पी एच होता है सिक्स ह्यूमन यूरन क्या होती है इट इज स्लाइटली एसिडिक इट इज स्लाइटली एसिडिक क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बता दो जी मैच करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज करता है वेरी गुड चलिए आ जाइए मैच करते हैं तो जो प्रोटोन होती है आपकी ये कहाँ होती है फ्लैट वॉम में प्रेजेंट होती है नेफ्रीडिया कहाँ होती है अर्थ वॉम में होती है आलफीजन टूब्यूल्स कहाँ होते हैं कॉकरोच में होते हैं और प्रॉन्स में आपकी ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड होती है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है बर्ड और लैंड स्नेल यूरिकोटैलिक होते हैं क्या हाँ ये यूरिक एसिड एस दी नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं बिल्कुल सही मैमल्स एंड फ्रॉग्स यूरियोटैलिक होते हैं क्या बिल्कुल इन्हें ये यूरिया रिलीज करते हैं इसीलिए इन्हें यूरियोटैलिक बोलते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक जो भी पानी में रहता है एक्वेटिक वो अमोनिया ही रिलीज करता है क्योंकि अमोनिया रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है बर्ड और रेप्टाइल यूरियोटैलिक होता है क्या नहीं बर्ड और रेप्टाइल यूरिकोटेलिक होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो इट इज वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल टेरिस्ट्रियलेशन दैट टेक्स प्लेस नेक्स्ट पे आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग कमेंट बॉक्स देख रही हूँ बेटा नाइस आंसर ठीक है एट्थ पच्चीस साल तक तो सभी नीट दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज रॉन्ग टैलिक क्या होते हैं बर्ड्स सही बात है इंसेक्ट्स टैलिक नहीं होते हैं इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक होते हैं मतलब दूसरा वाला गलत है अमोनोटैलिक टेडपोल होता है सही बात है एलिफेंट भी यूरियोटैलिक होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए द मेड्यूलरी जोन ऑफ किडनी इज डिडेड इंटू फ्यू कोल्ड मेड्यूलरी पिरािड प्रोजेक्टिंग इंटू द कैलाइसिस ये तो बिल्कुल सही है दूसरा इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड नोन एज रीनल पैलव नो जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्सटेंड करता है मेड्यूलरी पिरामिड में और उसे कॉलम ऑफ बर्टिनी बोला जाता है तो इनकरेक्ट हो गया ये सेकंड वाला क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए कॉलम ऑफ बर्टिनी ठीक है कॉलम ऑफ बर्टिनी वेरी गुड अमेजिंग नेक्स्ट द कंडीशन ऑफ एक्यूमलेशन ऑफ द यूरिया इन दी ब्लड ब्लड में अगर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं ब्लड में यूरिया ही यूरिया ब्लड में यूरिया मतलब यूरीमिया इससे क्या होता है किडनी फेल हो जाती है ऐसे लोगों को अलाइव रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम डायलाइसिस बोलते हैं डायलाइसिस डायलाइसिस बोलिए विच ऑफ द फॉलोविंग इज नोन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हॉर्मोन कौन से हॉर्मोन को एंटी डाई हॉर्मोन बोला जाता है विच हॉर्मोन इज नोन एज एंटी डाई हॉर्मोन वैसोप्रेसिन इज़ एंटी टिक हॉर्मोन ठीक है क्या बोलोगे वैसोप्रेसिन इज़ एंटी डाई यूरेटिक हॉर्मोन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ठीक है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन कॉलम टू अच्छा मैच द कॉलम कर लेंगे माम ये तो हमें बढ़िया तरीके से आती ही है मैच द कॉलम पी सी टी मतलब प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्रब्यूल क्या करता है तो जितने भी सेवेंटी टू एटी परसेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये किससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी से प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल से डिस्टल कॉन्वेलेटेड टब्यूल क्या करता है ये आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है डिस्टल कॉन्वेलेटेड टब्यूल आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है हैंडलेज लूप में किस में मदद करता है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में वाटर लॉस कम करना है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड में देना है तो ये रहेगा काउंटर करेंट मेकेानिज़म क्या करता है काउंटर करंट मेकैनिज़म मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन दी मेड्यूला मेड्यूला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और रीनल कॉर्पसल्स क्या करते हैं ब्लड को फिल्टर करते हैं रीनल कॉर्पसल ब्लड को फिल्टर करने में मदद करते हैं आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नहीं बेटा हार नहीं माननी है ना बस अगर अभी तुमने सोच लिया कि बहुत टाइम हो गया चार चैप्टर हो गए बचे हुए तीन कल कर लेते हैं वो कल कभी नहीं आता है ना कल रिप्रोडक्शन ही करना है अपन को थोड़ा हिम्मत रखो बेटा जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी नीट क्लियर कहोगी जल्दी कर लेते हैं ना लेकिन करेंगे आज ही है ना ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन दी यूरिन रीनल कैलकुल मतलब क्या होता है किडनी में क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्जाइलिट्स वगैरह जम जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और गाउट क्या होता है यूरिक एसिड जॉइंट में एक्ूमुलेट हो जाता है नेक्स्ट वी कैन प्रोड्यूस अ कंसनट्रेट या फिर डाइल्यूट यूरिन ये यूरिन हम कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं बताइए हमारी बॉडी में क्या है इसको मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हमारे पास काउंटर करेंट मैकेनिज्म है लूप और वासा रेक्टा मिलके ये मैकेनिज्म करते हैं ये कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं यूरिन को क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो आर्टिफिशियल किडनी होती है डायलिसिंग यूनिट होती है ठीक है इसमें जो फ्लूइड होता है और जो तुम्हारी बॉडी में फ्लूइड होता है बिल्कुल सेम होता है कौन सी चीज़ का डिफरेंस होता है ठीक है सिर्फ यूरिया का डिफरेंस होता है मतलब जो डायलाइसिंग जो तुम्हारा फ्लूड होगा ना उसमें क्या होगा उसमें सब कुछ होगा बस नाइट्रोजिनेस वेस्ट नहीं होगा नहीं होगा तभी तो जहाँ से ज्यादा वेस्ट है जहां से वेस्ट नहीं है मूव करेगा और हमारा ब्लड फिल्टर हो जाएगा चलिए हमने चैप्टर नंबर फोर भी कंप्लीट कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट बात लगी है मुझे इस चैप्टर की वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ठीक है जो किडनीज होती है है ना ये क्या करती है यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया रिमूव करने में मदद करती है ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है लंग्स क्या रिमूव करती है सी ओ टू और एच टू ओ लिवर क्या रिमूव करता है बिलियरबिन बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल वाइटामिन और ड्रग्स स्किन क्या रिमूव करती है वाटर स्वेट सीबम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं चैप्टर नंबर फाइव ह्यूमन फिजोलॉजी का चैप्टर नंबर फाइव है लोको मोशन एंड मूवमेंट लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर वन क्या बात है सेलिब्रेशन हो गया कमेंट बॉक्स में एक चैप्टर कंप्लीट होने पे चलिए जल्दी जल्दी करते हैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मैच कर देना है आपको कॉलम्स को मैच कर दीजिए कॉलम को तुरंत तो ही जल्दी से मैच कर दीजिए तीन चैप्टर इनमें क्वेश्चन भी कम है जो फास्ट मसल फाइबर होते हैं इनमें लैक्टिक एसिड अक्यूमिलेट हो जाता है बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन उक्सिज, नहीं मिल रहा है स्मॉल स्लो मसल फाइबर में क्या रहता है मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा रहता है एक्टिन फिलामेंट आई बैंड और सार्कोमियर हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मतलब आंसर हो जाएगा सी रिब्स आर अटैच टू रिब्स किससे अटैच रहती है ये क्या होता है जिससे ऐसे ऐसे रिब्स अटैच रहती है रिब्स आर अटैच टू द क्वेश्चन नंबर थ्री मूवेबल जॉइंट जो एटलस और एक्सस में प्रेजेंट होता है मूवेबल जॉइंट इज प्रेजेंट इन एटलस एंड ठीक है वेरी गुड द आंसर इज पाई जॉइंट इट इज प्रेजेंट इन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट एटलेंटो एक्सियल जॉइंट ए टी पी एस ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन मसल का ए टी पी एस कहाँ लोकेटेड होता है ए टी पी एस ऑफ द मसल थोड़ा आप लोग भी जल्दी आंसर दो मैं भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाती हूँ ए टी पी एस ऑफ दी मसल इज लोकेटेड इन दी हैड ऑफ़ द मायोसिन मायोसिन की हैड में होता है ए टी पी एस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज़ फाउंड इन दी वर्टिब्रल कॉलम ऑफ इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहाँ मिलती है इज फाउंड इन दर्टिब्रल कॉलम ऑफ ठीक है इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैम्स के इंटरवर्टिब्रल कॉलम में मिलती है क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट सीक्वेंस बता दो वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रल कॉलम का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा सबसे पहले क्या होती है ऊपर सबसे पहले होती है आपकी सर्वाइकल फिर होती है थोरासिक फिर होती है आपकी लंबार फिर होती है सेकरल फिर होती है कॉक्सीजियल ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ दर्टिब्रल कॉलम चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है ठीक है गलत सेडल जॉइंट कार्पल मेटाकार्पल राइट ग्लाइडिंग बिटवीन दी कार्पल्स राइट पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सेस एंड ऑस्पिटल कॉन्डाइल राइट हिंज वाला गलत दिया है हिंज कहाँ मिलता है हिंज नी जॉइंट में मिलता है हिंज एल्बो जॉइंट में मिलता है ठीक है यहाँ मिलता है ये नेक्स्ट नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ अब इसको तो गलती मत करना अभी बताया बेटा नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर एट नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी हिंज जॉइंट अभी बताया था मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट इनका मूवमेंट कैसा होता है मैक्रोफेज का और ल्यूकोसाइट्स का मैक्रोफेजेस का एंड ल्यूकोसाइट्स का जो मूवमेंट होता है दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है अमीबॉइड मूवमेंट होता है ठीक है इसमें क्या होते हैं सूडोपोडिया जैसे होते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग चलती रहती है जिसके वजह से मूवमेंट होता है नेक्स्ट नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन बोन का डिसऑर्डर नहीं है अर्थराइटिस है ऑस्टियोपोरोसिस है रिकेट्स है एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है और गलत है हार्ट मसल स्ट्राइट होती है इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं पर इन होती है मतलब हमारी कंट्रोल में नहीं है सही बात है जो मसल होते हैं हैंड के या लेग्स के स्ट्राइटेड होते हैं पर हमारे कंट्रोल में होते हैं मतलब वॉलेंट्री है द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दे आर इनवॉलेंट्री बट दे आर नॉट स्ट्राइटेड दे आर अनस्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड होते हैं ये इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं और मसल लोकेटेड इन दी रीप्रोडक्टिव ट्रैक्स आर अनस्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री मतलब सी वाला इनकरेक्ट है तो आंसर हो जाएगा सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा यहाँ पे हाँ वेरी गुड ना जो आ, क्या होगा बेटा कि जो हेड होता है यूमरस का इट आर्टिकुलेट्स विद दी विदिनोइड देखो ये पेक्टोरल गर्डल में ऐसी कैविटी और यहाँ से ऐसा हैंड रहता है ठीक है ठीक है तो जो एक्रोमियम रहता है ना एक डिप्रेशन होता है कैविटी यहाँ पे यूमरस का हेड होता है और शोल्डर जॉइंट फॉर्म होता है चलिए मसल जो स्ट्राइटेड है और इन वॉलेंट्री वाल, है उनके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है तो जो स्ट्राइट होगी पर इन होगी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होगी तो वो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होगी ऐसी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है ऐसी मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मैच द फॉलोइंग एंड मार्क दी करेक्ट ऑप्शन मैच करो और करेक्ट ऑप्शन बता दो जो स्टर्नम होती है जो स्टर्नम होती है बेटा दैट इज़ अ फ्लैट बोन फ्लैट बोन होती है जिससे रिब्स अटैच होती है. ठीक है फिर ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है इस कैविटी है ना ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है तुम्हारा पैक्टोरल गर्डल देखो फ्रीली मूव हो रहा है और कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वर्टिब्रे में ये पार्शली ही मूवेबल होता है थोड़ा सा ही मूव कर पाते हैं चलिए हमने चैप्टर नंबर कौन सा कंप्लीट कर लिया हमने चैप्टर नंबर कितना वन टू थ्री फोर फाइव भी कंप्लीट कर लिया अब हम चैप्टर नंबर सिक्स शुरू करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स है हमारा नर्वस सिस्टम ठीक है अब हम क्या करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा और दिस इज हाउ हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी टी एग्जाम्पल करेंगे कल रात को आठ बजे आएंगे और रिप्रोडक्शन

अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज़ नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज किस आयन के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से होता है तो आपको भी पता है कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन रहते हैं जो नर्व न्यूरोन्स में एग्जॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये पोटेंशियल वगैरह को बना के रखते हैं तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए कि जो पोटेंशियल डिफ्रेंस है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस नेगेटिव है सोडियम और पोटेशियम आयनस के वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय रेस्टिंग पोटेंशियल कौन मेंटेन करके रखता है रेस्टिंग पोटेंशियल कौन मेंटेन करके रखता है वेरी गुड रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेनड बाय द आयन पम्प्स आयन पम्प्स है सोडियम पोटेशियम आयन पम्प है वही तो मेनटेन करेगा फंक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय विसरल ऑर्गन का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है द फंक्शन ऑफ आर विसर इज कंट्रोल्ड बाय इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथैटिक न्यूरल सिस्टम मेनली ऑटोनॉमिक है ना ऑटोनॉमिकनोमिक क्या करता है आपका स्मूथ मसल का करता है तो उसमें सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वल सिस्टम होते हैं नॉट इन्वॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लैक्स ही नी जर्क रिफ्लेक्स तो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से ही तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं मतलब ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहेगा ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन वोंट बी इन्वॉल्व बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं बच्चे कमेंट बॉक्स में एन एरिया इन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रोंग इमोशन तुम जो भी ये भावुक हो जाते हो ना जो भावनाओं में बह जाते हो ये किस वजह से होता है तो जो एरिया ऑफ द ब्रेन है इट इज़ एसोसिएटेड विद दी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम ये इमोशंस को एमिगडेला हिपोकैम्पस इमोशन्स को कंट्रोल करता है रोडोप्सिन जो है बेटा आँखों में रहता है रोडोपसिन फोटोरेप्टर सेल में उसमें कौन सा विटामिन प्रजेंट रहता है विच विटामिन इज प्रेजेंट इट इज विटामिन ए विटामिन एज प्रेजेंट इन दी रोडॉप्सिन वेरी गुड नेक्स्ट ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स एंड इट इनक्लोजेस ह्यूमन आई बॉल में तीन लेयर रहती है ठीक है ये लेयर नहीं पूछी है ये पूछा है कि ये तीन लेयर इनक्लोज किसको करते हैं मतलब इन लेयर के अंदर क्या रहता है इस लेयर के अंदर तुम्हारा लेंस रहता है तुम्हारा एक्वस यूमर रहता है विट्रस यूमर रहता है तो एट्थ का क्या आंसर हो गया एट्थ का आंसर हो गया हमारा बी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बेटा बहुत बढ़िया नेक्स्ट वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर कैनाल इज कॉल्ड ईयर कैनाल में जो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है तो इट इज अ सिबेशियस ग्लैंड और इट इज अ सेरुमिनस ग्लैंड ठीक है कौन सी ग्लैंड होती है सिबेशियस और सेरुमिनस ग्लैंड ही वैक्स प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग हियरिंग के लिए ठीक है कौन सा द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग बताइए द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज नोन एज कोकलिया इट इज कॉकलिया ठीक है वेस्टिबुलर अपेरिटस तो क्या करेगा बैलेंसिंग में मदद करेगा सेमी सर्कुलर किन ल्यूट्रिकुलर सेक्युलर द ऑर्गन ऑफ द कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ मिलता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ मिलेगा वेरी गुड कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा इट इज़ प्रेजेंट इन दी कॉकलिया ऑर्गन ऑफ कॉटाई इन इनर ईयर में कॉकलिया में प्रेजेंट होता है ठीक है बेटा ये देखो कितना सुंदर बनाया है ये आप लोगों के लिए बनाया है ये ठीक है ये जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है इसमें सी एन एस होता है पी एन एस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है पैरीफेरल में सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ब्रेन के ये तीन पार्ट है और ऑटोनॉमिक के सिंपथेटिक एंड पैरा पैरासिम्पथेटिक चलिए चैप्टर नंबर सेवन एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये ठीक है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं और आज हमने इसी तरह पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की एन सी आर टी एग्जाम्पलर कंप्लीट कर लेंगे बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी फाइनली लास्ट बने ना मेरे बच्चे थक गए हैं इतना कर कर के आज कोई बात नहीं आखिरी है बेटा जी बस पीनियल पीनियल क्या होता है बेटा मेलेटोनन सिक्रीट करती है थायरॉयड क्या करता है टेट्राइडोथायरॉयनन ओवरी क्या करते हैं इस्ट्रोजन और एड्रीनल मेड्यूला क्या करती है एपीनेफ्रिन, एड्रीनल मेड्यूला क्या करेगी एपीनेफ्रिन. तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी मैच द कॉलम कौन सी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी मैच द कॉलम का आंसर हो जाएगा डी चलिए ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी का हॉर्मोन है कौन सा इंटीरियर पिट्यूटरी का हॉर्मोन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दारमोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी वेरी गुड अपना ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हॉर्मोन है ठीक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है पार्स नर्वोसा से होता है इंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है चलिए मैरी है ये मैरी को जाना है इंटरव्यू देने या फिर चलो रहने दो तुम हो ये ये मेरे बच्चे हैं इनको जाना है नीट देने ठीक है तो क्या होगा कि जो पहले पाँच मिनट जो नीट के पहले होगा तुम्हें स्वेटिंग होने लगेगी हार्ट रेट बढ़ने लगेगा रेस्पिरेशन रेट बढ़ने लगेगा मतलब कौन सा हार्मोन तुम्हारी बॉडी में उस टाइम बहुत रहेगा उस टाइम तुम्हारी बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन रहेगा, तो रहेगा? तो रहेगा जो तुम्हें करवाएगा तो इस टाइम तुम्हारी बॉडी में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीन रहेगा जो कहाँ से रिलीज होता है एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है इन दोनों हारमोन को मिला के हम कैचे कोला ही बोलते हैं कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं ठीक है बिल्कुल नेक्स्ट द स्टीरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा स्टीरोडल हॉर्मोन जरूरी है कौन सा स्टीरोडल हॉर्मोन जरूरी है ठीक है इट इज एल्डोस्टिरॉन एल्डोस्टिरॉन क्या करेगा बेटा ये एक स्टीरोयडल हॉमोन है और ये क्या करेगा वेरी hmm, गुड नहीं बेटा वैसोप्रेसिन तो किडनी विडनी पे एक्ट करेगा ठीक है एल्डोस्टिरोन क्या करेगा ये बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट करेगा नेक्स्ट थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थाइमोसिन क्या करता है टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है थायरॉइड में तो क्या ही थाइमस में क्या होगा थाइमस जो ग्लैंड हो ना ये एक एज के बाद इसकी एट्रोपी हो जाती है बच्चे में बड़ी रहती है बड़े होकर छोटे हो जाती है टी का प्रोडक्शन चलिए प्रोटीन हार्मोन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर यूज करेगा प्रोटीन हार्मोन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर यूज करेगा प्रोटीन हार्मोन आपका साइक्लिक ए एम पी यूज करेगा एक्चुअल में जैसे तुम्हारा सेल है ठीक है सेल के अंदर है ना प्रोटीन हार्मोन आना ही अलाउड तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट सेल सेल मेम्ब्रेन ये रिसेप्टर पे जाके हार्मोन अटैच होता है फिर सेकेंडरी मैसेंजर जाता है और न्यूक्लियस को बोलता है काम करने के लिए तो साइक्लिक एएमपी वन सच सेकेंडरी रेडिक सेल प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड रेडिक सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं रेडिक सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स अच्छा जितने भी मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन वो लेडिक सेल ही प्रोड्यूस करते हैं कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते हैं कॉर्पस प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते हैं नेक्स्ट कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रीट होता है कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है कॉर्टिस बेटा कौन सी ग्लैंड से होगा कमेंट बॉक्स में बता दो कॉर्टिस इज सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रीनल कहाँ से होगा इट विल बी सिक्रीटेड फ्रॉम दी एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल के भी तो दो पार्ट होते हैं मैम कॉर्टेक्स एड्यूला हाँ तो ये अपना कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होगा हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल कौन सी नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल कौन कंट्रोल करेगा वेरी गुड इट इज़ अ ना ये तुम्हारी उठने का जैसे कभी कभी अलार्म नहीं लगाते हो तो भी उतनी बजे नींद खुल जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ दी मेलाटोनिन चलिए ये जो रिसेप्टर्स uh, है वेयर आर दीज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटीन नेचर अच्छा प्रोटीनेशियस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स कहाँ लगे हुए होते हैं अभी बताया था प्रोटीन हॉर्मोन् के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं और ये क्या होता है अंदर वो करते हैं ए? अंदर के लिए ये अंदर नहीं जाने देते हैं से सेकेंडरी मैसेंजर पर जो स्टीरोड हॉर्मोन होते हैं उनके जो हार्मोन होते हैं वो न्यूक्लियस पे होते हैं चलिए मैच कर दीजिए बेटा जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन है मुझे लगता है या फिर एक और बचा होगा बस आखिरी है एपिनेफ्रिन क्या करता है इंक्रीज हार्ट रेट एड्रीन हार्ट रेट को करेगा। क्या करेगा? क्या मसल ग्रोथ बढ़ाएगा क्योंकि गॉन क्या करेगा ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट और इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज कंटेंट और ए एन एफ जो हार्ट से रिलीज होता है एट्रियनिक फैक्टर ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है ठीक है तो बेटा दिस इज हाउ अभी भी बच गया क्या बचा है बेटा चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी कोई बात नहीं कर लेंगे मुझे लगा कंप्लीट हो गया ब्लड कैल्शियम लेवल इज अ रिजल्टेंट ऑफ हाउ मच डाइट्री कैल्शियम इज एब्सॉर्ब कितना कैल्शियम लॉस्ट हुआ यूरिन और हाउ मच बोन डिजोल्व ड्यूरिंग ठीक है किसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है आपको ये बताना है किसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है विटामिन डी का रोल है पैराथायरोड का रोल है थायरोकैल्सिटोनिन का थाइमोसिन का नहीं है थाइमोसिन तो टी लिम्फोसाइड्स बनाता है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है अब विटामिन डी भी तो कैल्शियम का रोल करता है बिल्कुल विटामिन डी लेने से हड्डियाँ स्ट्रांग होती है ना चलिए मेडुलरी रीजन इनमें से किस में मिलेगा मेडुलरी रीजन इज सीन मेड्यूलरी रीजन इज सीन मेड्यूलरी रीजन इज सीन इन एड्रीनल ये एड्रीनल में कॉटेक्स और मेड्यूला दोनों होता है नॉट लिंक्ड विद द डिफिशेंसी ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन थायरॉइड की कमी से नहीं होता कौन सा थारॉयड की कमी से नहीं होता ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव कम्प्लीटेड एंटायर एन सी आर टी एग्जाम्पलर ऑफ यूनिट फाइव ह्यूमन फिजियोलॉजी कल शाम को आठ बजे मिलेंगे और ह्यूमन मतलब जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका भी कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो फिफ्टीन का आंसर क्या होगा फिफ्टीन का क्या होगा अच्छा रॉन्ग पूछा है क्या रॉन्ग पूछा है मुझे लगा किसमें कॉर्टेक्स एंड मड्यूला मिलेगा कौन सी ग्लैंड में फैड्रीनल तो ग्लैंड में मिलेगा हाँ लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि किसमें नहीं मिलेगा तो लिवर में नहीं मिलेगा लिवर में कॉर्टेक्स मड्यूला नहीं मिलता है ओवरी में कॉर्टेक्स मड्यूला मिलता है किडनी में मुझे लगा ऐसा पूछा है कि कौन सा हॉर्मोन ठीक है चलिए हाँ फिफ्टींथ का क्या आंसर होगा फिफ्टींथ में हाइपर सिक्रीशन के वजह से होता है एग्जॉपथल गोइटर ये सब इस हाइपो सिक्रीशन के वजह से होता है चलिए हमने कंप्लीट कर लिया आज का पूरा सेशन अब हम लोग कल रात को आठ बजे मिलेंगे यूनिट सिक्स रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी सी एग्जाम्पलर कंप्लीट करने के लिए इफ यू हैव एंजॉयड दि सेशन डू लाइक दीडियो और कल रात को आठ बजे मिलते हैं हम सभी लोग प्री प्रोडक्शन के लिए तब तक के लिए बाय